अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन, खैरियत से होंगे नाज़रीन। मैं फिर भी आज एक 2023 की वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो आज किस मकसद के लिए? वीडियो ये मकसद के लिए है कि आप हमारे वीडियो या स्क्रीन पर देख रहे हैं 50 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने 60 करना है, तो कौन सी सेटिंग में जाना होगा और कहाँ पर 60 फ्रिक्वेंसी करनी है, ताकि जिन दोस्तों की 50 से फुल चली जाती है तो उसके बाद उसको 60 की फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो समझो कि मैं आपको 60 की जो सेटिंग है वो आपको बताऊंगा। आप 60 कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, 90 के बाद कोई फ्रिक्वेंसी आपको नहीं मिलेगी, तो वो आप 15-18 पर आराम से आसानी से कर। कोई भी FBB हो उसमें हर में ऑप्शन होता है कि आप 50 से 60 भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको ऐसी वीडियो चाहिए या ऐसा जो आपको वीडियो चाहिए, तो हमारे जो सोलर PB4 चैनल है उसकी तमाम वीडियो मौजूद हैं, जिस सेटिंग के लिए आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगी। तो नाज़रीन, आपने ये ज़रूर याद रखना है कि साथ में बेल का बटन भी दबा देना है, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो जाए। साहब ये ना भूलना कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो वीडियो की जानिब चलते हैं, तो सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन दबाना है, उसके बाद हम आपके सामने P0 आ रही है। P0 किस मकसद के लिए? P0 आपने डाटा इंटर करना है, उसके बाद हमारे सामने आ रही है P011। हमने P011 में नहीं जाना, हमने वापस आना है P02 में आना है। P02-3 में आप देख सकते हैं 50 पर फ्रिक्वेंसी है। आपको ना समय लग सके तो मैं आपको इंडिकेटर भी जल रहा है, जब ये इंडिकेटर जलता है तो समझो कि ये 50 की सेटिंग की वजह से जल रहा है। तो नाज़रीन, उसके बाद चलते हैं। यहाँ पर भी आपने जाना है, यहाँ पर भी आपने 60 कर सकते हैं। 60 कैसे करना है? यहाँ से शिफ्ट के बटन से, क्योंकि अभी तक मेरी VFD चल रही है तो मैं इसको स्टॉप करूँगा वीडियो की एंड में, उसके बाद आपको करके 60 भी दिखा दूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जा रही है, यहाँ पर भी आपने 50 कर देना है, पर यहाँ पर उस वक्त करना है जब वापडा यूज़ करेंगे। उसके बाद आप 6 पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने जो है ना कम ज़्यादा 30 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। आप जो है मेरी इस वक्त जो है फ्रिक्वेंसी भी अप डाउन हो गई, ये देखो स्लो बिल्कुल मोटर हो गई है। उसके बाद आप, मैं इसको ज़्यादा करूँगा, ये देखो मेरी फ्रिक्वेंसी फौरन ही बढ़ने शुरू हो गई है। मैंने जैसे ही आप देखते हैं कि ऊपर किया है तो फौरन बढ़ने शुरू हो गई है। तो नाज़रीन, उसके बाद आपने P7 में आ जाना है। P7 में कोई एम सेटिंग नहीं, उसमें भी कोई एम सेटिंग नहीं। यहाँ पर यह है कि बोर्ड को बार बार जो पानी नहीं उठाती उसके लिए लेवल होता है। तो उसके बाद वापस चलते हैं। वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हमने 50 से फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कम कैसे करनी होती है आपके।